हेलो दोस्तों, ट्रिक टीचर ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर क्यूब, यानी कि स्क्वायर क्यूब कैसे निकालें। इस ट्रिक को आज हम बता रहे हैं। ट्रिक को बताने से पहले कुछ कोड की ज़रूरत होगी, तो बनाने से पहले अगर हमारा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई भी सवाल, आपका कोई भी सवाल पर डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। ये पहले आप कोड लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। वन का जो कोड होता है वन ही होता है, फोर का जो होता है फोर, फाइव का जो होता है फाइव, सिक्स का सिक्स, नाइन का नाइन, जीरो का जीरो, टू का एट हो जाता है, एट का टू हो जाता है, थ्री का सेवन, सेवन का थ्री, यानी कि इसका उल्टा इसका है और इसका उल्टा इसका होता है, और इसका उल्टा इसका और इसका उल्टा इसका। ये ही कोड आपको याद रखना होगा। ये तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, लेकिन ये वाला आपको याद करना होगा। टू का उल्टा एट और एट का उल्टा टू, और थ्री के उल्टा सेवन, सेवन के उल्टा थ्री। तो देख सकते हैं ये सवाल है, इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा समझिएगा। देखिए 238,328 इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं एट के उल्टा क्या होता है। लास्ट वाले अंक को देखेंगे, जब क्यूब रहेगा तो हम तीन गो को निकाल लेंगे, तीन। अगर स्क्वायर निकालना है तो दो को निकालता हूँ, लेकिन इसमें क्यूब निकालना है। 328 के बाद जो भी रहेगा इसका हम क्यूब देखेंगे, ये कितना का क्यूब है लगभग में। यहाँ पर तो एट है तो इसका तो हम दो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 238 है तो देखेंगे हम ये किसका क्यूब है। छः के देखेंगे तो इसका होता है 216, तो 216 जो हैं देख सकते हैं हम, 200 यहाँ पर 38 हैं, यानी कि छोटा ले सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं। 700 का, 7 का जो क्यूब होगा 200, इसका 43 होता है, 243 नहीं, यहाँ पर 343 होगा, इसका क्यूब 343 होता है। तो देखिए ये वाला जो है इससे बड़ा है, लेकिन ये वाला जो है 6 का जो क्यूब है वो छोटा है, तो हम इसी को लेंगे, जो छोटा वाला होता है उसी को हम लेंगे। यहाँ पर 8 का उल्टा 2 होगा है और यहाँ पर 6 ले लेंगे, यानी कि इसका जो क्यूब है वो 62 का ये क्यूब है। 62 को हम क्यूब करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। उसी तरह एक और सवाल बनाएंगे, तो हम आपको बता चुके हैं 9 का उल्टा 9 ही होता है, तो 9 का हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे और 3 अंक हटा देंगे, इसलिए क्यूब पूछ रहा है। और यहाँ पर 59 है, इसको हम देखेंगे ये किसका क्यूब है। तो देख सकते हैं 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, और 4 का जो क्यूब होगा वो 64 होगा। तो 64 तो बड़ा हो जाएगा 59 से, लेकिन 27 छोटा है तो हम छोटा वालों को लेंगे, यानी कि 39 हो जाएगा, 39। इसका जो आंसर होगा 39, 39 का जो क्यूब करेंगे हमारा 59 आएगा, या इतना का